भारत का एक ऐसा गांव जहां नहीं चलता है देश का कानून। क्या आप जानते हैं कि नींद में जो आपको अचानक एक झटका महसूस होता है वो क्यों महसूस होता है? और एक ऐसा जू जहां जानवर नहीं बल्कि इंसान पिंजरे में कैद होते हैं, और एक ऐसा जीव जो 45 मिनट तक अपनी धड़कनें रोक सकता है, कौन सा है वो जीव? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, अगर आपको कुत्ते पालने का शौक है लेकिन कुत्तों की देखभाल करने की वजह से आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते, तो फिर आपके इस प्रॉब्लम का एक सलूशन आ गया है। आप ओरिजिनल डॉग के बजाय अपने लिए रोबोटिक डॉग खरीद सकते हैं। इस रोबोटिक डॉग का निर्माण सोनी कंपनी ने किया है और इसका नाम आईबो है। इसके चलने का अंदाज, पूंछ हिलाने का अंदाज, प्यार करने का अंदाज और आपकी ओर दौड़ कर आने का अंदाज सब कुछ हूबहू ओरिजिनल डॉग की तरह ही है। जब आप इसके साथ खेलना शुरू करेंगे तब आप एक पल के लिए तो भूल जाएंगे कि ये एक रोबोटिक डॉग है। सोनी कंपनी ने सबसे पहले इसे 1999 में लॉन्च किया था। 2006 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन फिर 2017 में सोनी ने न्यू जनरेशन रोबोटिक डॉग के साथ मार्केट में वापसी की और 2018 में इसके एक और नए मॉडल को लॉन्च किया गया। क्या आप इस रोबोटिक डॉग को अपने पास रखना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक ऐसा गांव है जहां हमारे देश का कानून नहीं चलता। यहां तक कि इस गांव के लोग खुद को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते। ये गांव हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में स्थित है। इस गांव का नाम है मलाना, जो कि एक बेहद ही प्राचीन गांव है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस गांव के समुद्र तल से ऊंचाई है 2652 मीटर। गांव की कुल आबादी लगभग 4700 है। यहां की सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल ही अलग है। इनफैक्ट इस छोटे से गांव की अपनी एक अलग ही भाषा भी है। चूंकि इस गांव के लोग खुद को भारत से अलग मानते हैं, इसीलिए यहां भारत का कानून भी नहीं चलता। इस गांव की अपनी सरकार और अपना कानून है। यहां की सरकार 2 सदनों में चलती है। वर्तमान में इस गांव के प्रमुख भागीराम है। नंबर 7, चीन में एक ऐसा जू है जहां जानवर नहीं बल्कि इंसानों को पिंजरे में कैद किया जाता है। दरअसल ये एक ओपन वाइल्ड लाइफ जू है जहां जंगली जानवर आजादी के साथ घूमते हैं और इन्हें देखने आने वाले लोगों को पिंजरे में कैद होकर यहां आना पड़ता है। इस जू का नाम लेह लेदू वाइल्ड लाइफ जू है और ये चोंगकिंग सिटी में मौजूद है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों को चारों तरफ से जाल से घिरे ट्रक में बंद किया जाता है और फिर ये ट्रक लोगों को लेकर जू में घूमता रहता है। जानवरों को ट्रक के पास अट्रैक्ट करने के लिए ट्रक के बाहर मांस के टुकड़े लटकाए जाते हैं। मांस के लालच में जानवर ट्रक के करीब आते हैं और फिर इन खूंखार जानवरों को इतने करीब से देखकर कई लोगों के होश उड़ जाते हैं। जानवरों की आजादी के लिए इस तरह का जू एक अच्छी पहल है। नंबर 6, अगर आपको कभी भी अपनी जिंदगी में लगे कि जिंदगी आपके साथ नाइंसाफी कर रही है या आपकी किस्मत खराब है, तो फिर एक बार कन्या सेसर को जरूर याद करना। कन्या सेसर का जन्म बिना पैरों के ही हुआ। दोनों पैर नहीं होने पर जिंदगी कैसे हो सकती है, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। अमेरिका की रहने वाली ये कन्या शारीरिक रूप से मजबूत जरूर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस कंडीशन में भी वो बचपन से ही अपना सारा काम खुद ही करती आ रही है। उन्हें बचपन से ही एडवेंचर का बड़ा शौक था, तो बड़ी होने पर उन्होंने अपने इस शौक को भी पूरा कर लिया। कन्या स्केटबोर्डिंग करती है। इसके अलावा वो सर्फिंग, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग में भी महारत हासिल कर चुकी है। प्रोफेशनल एथलीट होने के साथ ही कन्या मॉडल और एक्ट्रेस भी है और वो कई मशहूर टीवी सीरीज में नजर भी आ चुकी है। नंबर 5, सोते हुए आपने भी कभी ना कभी झटके जरूर महसूस किए होंगे। नींद में अचानक लगने वाले इस झटके को हिप्निक जर्क या स्लिप स्टार्ट्स कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये झटके लगते क्यों हैं? आमतौर पर हिप्निक जर्क तब महसूस होते हैं जब हम जागने और सोने के बीच की स्थिति में होते हैं। इस स्थिति को हम हल्की नींद कह सकते हैं। हालांकि कभी कभार गहरी नींद में भी ऐसे तेज झटके महसूस होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिप्निक जर्क के पीछे का कोई भी एग्जैक्ट रीजन अब तक सामने नहीं आ सका। गहरी नींद में लोगों को ये झटके तब महसूस होते हैं जब वो अपने सपने में गिर रहे होते हैं या फिर किसी उलझन में होते हैं। वहीं हल्की नींद में हिप्निक जर्क के पीछे की वजह वैज्ञानिक तनाव, चिंता, थकान इत्यादि को मानते हैं। कई बार शाम में की गई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज भी हिप्निक जर्क का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। इंसानों के रहने के लिए तो नई बस्तियां हमेशा बसाई जाती है, लेकिन ब्राजील के एक एनजीओ ने एक अनोखा पहल करते हुए सड़कों पर रहने वाले बेघर कुत्ते और बिल्लियों के लिए एक अलग सी बस्ती बनाई है। बेघर जानवरों की ये बस्ती कैशियस डू सुल शहर में बसाई गई है।
इस नेक काम को करने वाले एनजीओ का नाम सोसाइडेड अमेगा डॉस एनिमेस है। जानवरों की बस्ती में मेटल और लकड़ी के टुकड़ों से सैकड़ों छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। इन घरों में लगभग 1600 कुत्ते और 200 बिल्लियां रह रही हैं। इस एनजीओ ने न सिर्फ इनके रहने का इंतजाम किया है बल्कि सालों भर इनके खाने पीने का भी खासा ख्याल रखा है। ऐसे एनजीओ के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, दुनिया भर में हर साल हजारों पशु पक्षी इंसानी क्रूरता का शिकार होते रहते हैं, लेकिन इसी दुनिया में आज भी कुछ ऐसे नेक दिल इंसान रहते हैं जो एक छोटी सी पक्षी के लिए भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही एक नजारा तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के पोथाकुडी गांव में देखने को मिला। इस गांव में लगभग 35 स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। ये सभी स्ट्रीट लाइट्स एक ही स्विच बोर्ड से ऑपरेट होती हैं। इन सभी स्ट्रीट लाइट्स को ऑन एंड ऑफ करने की जिम्मेदारी करप्पू राजा नाम के एक लड़के के ऊपर है। एक दिन सुबह उसने देखा कि एक चिड़िया स्विच बोर्ड के अंदर अपना घोंसला बना रही है। अब यदि स्विच बोर्ड को हर रोज ऑन एंड ऑफ किया जाए तो उसका घोंसला टूट सकता था, जिसके बाद करप्पू राजा ने गांव के लोगों से इस बारे में बात की और लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि स्ट्रीट लाइट्स को तब तक ऑन नहीं किया जाए जब तक इस चिड़िया के अंडे से बच्चे बाहर ना निकलकर बड़े हो जाएं। गांव के सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो गए और फिर अगले 35 दिनों तक स्ट्रीट लाइट्स को ऑन नहीं किया गया। एक छोटी सी चिड़िया के लिए गांव के लोग 35 दिनों तक अंधेरे में रहे, एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, रात के अंधेरे में चमचमाते ये ब्लू रोड्स किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक रियल रोड है। ये रोड पोलैंड के प्रोस्कोव शहर में मौजूद है। रात होते ही ये रोड चमकदार ब्लू रंग से रोशन हो जाती है। रात के समय में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस रोड में ऐसा क्या है कि रात होते ही ये चमकने लगती है। दरअसल ये रोड सोलर पावर्ड है। इसका निर्माण ऐसे मटेरियल से किया गया है जो दिन के समय में सूरज की रोशनी से चार्ज होती है और फिर रात होते ही चमकने लगती है। दिन भर चार्ज होने पर ये रोड रात में लगभग 10 घंटे तक चमकती रहती है। ये रोड साइकिल और पैदल चलने वाले लोगों के लिए ही है। एंड लास्ट नंबर 1, यदि किसी इंसान के दिल की धड़कने रुक जाए तो फिर 3 मिनट से 10 मिनट के भीतर ही उसकी मौत हो सकती है। इंसानों की तरह ही ज्यादातर पशु पक्षी भी धड़कने रुकने के कुछ मिनट के भीतर ही मर जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जो धड़कन रुकने के बाद 45 मिनट तक जिंदा रह सकता है। इस जीव का नाम इगुआना है। इगुआना छिपकली की एक प्रजाति है। इस जीव की खासियत ये है कि ये जब चाहे अपने दिल की धड़कन रोक सकती है और ये हमेशा ऐसा करती भी है। इगुआना खाने की तलाश में समुद्र के अंदर जाते हैं और पानी के अंदर इगुआना का सबसे बड़ा दुश्मन शार्क 13 फीट दूर से भी इसकी धड़कने सुन सकता है, जिस वजह से शार्क बड़ी ही आसानी से इसका शिकार कर सकते हैं। लेकिन इगुआना भी कम चालाक नहीं है। जब ये समुद्र में जाते हैं तब अपने दिल की धड़कने बंद कर लेते हैं ताकि शार्क को उनकी मौजूदगी का पता ना चले। धड़कने बंद करके ये बड़े आराम से अपने लिए खाने की तलाश करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।